हमारा दूसरा पड़ाव है। कल की हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही, अच्छी, तो आज हमारा ये थोड़ा लोग कम हो गए, लेकिन आज की यात्रा भी हम पैदल यात्रा करेंगे और उसी जंगल सफारी के साथ, तो एक जयकारा लगाते हुए जय माँ शाकुंभरा देवी। हमारा दूसरा दिन है, तो आज हमें श्री शंकराचार्य आश्रम में और रात्रि विश्राम हमारा यहीं पर हुआ और बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। ये संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वैसे अभी 7 बजे हैं और बड़ा सुंदर ही दृश्य कि मैं कड़ी और चावल तैयार हो रहे हैं। चलो, बहुत बड़ी सेवा है इनकी भी माँ शाकुंभरा देवी के आस्थान पे। तो भाई जी, एक बढ़िया सी चाय बना दो है। शाकुंभरा देवी का खाल वाला एरिया है, जिसके दोनों ओर आश्रम संस्कृत विद्यालय यहाँ पर है जगतगुरु शंकराचार्य जी का, और इसके दोनों ओर काफ़ी यात्रियों की बसें आई हुई है और सभी लोग अपना भोजन की अभी तैयारी में लगे हैं। इसके बाद माँ के दर्शन होंगे करने की तैयारी में। आप देख रहे होंगे ये मुख्य द्वार जिसको बोला गया है, यहाँ पे दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, प्रसाद की, फूल मालाएं, खिलौने, और इसके आगे माँ का सुंदर भवन। ये भी बंदर ने हमारा सामान छीन दिया। आज हम लोग ये संतला ठाकुर पौराणिक स्थल है महाभारत काल का, उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे हमारी जंगल यात्रा, जंगल यात्रा फिर कंटिन्यू चलती रहेगी घर वापसी के लिए। अच्छा, वही हमें आज दोबारे से 8 घंटा लगेगा। हाँ। तो इस यात्रा में हमें दोबारे से आज 8 घंटे पूरे लगने हैं, तो अभी इसलिए हम कंटिन्यू चल रहे हैं और बच्चे थोड़ा थक भी गए हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है, हमने कंटिन्यू इस यात्रा को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने एक चीज़ जानी है कि पेड़ पौधा अगर है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। संजय चमोली, और आगे और अच्छा आएगा। हाँ, तो ये भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, वो प्लेन रास्ता भी आएगा। तो ये नज़ारे हमें तभी तक हैं जब तक ये सुरक्षित और सुरक्षित हैं जी। अगर इनको काटा जाए तो समझो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे पर्यावरण का। बिल्कुल भाई, तो इनको बचाने के लिए मुहिम भी होनी चाहिए, सरकार को एक सख्त कदम उठाने चाहिए कि ये जंगल ना कटे जी। और अब हमारा ये आज यात्रा का दूसरे दिन का दूसरा पड़ाव, और अभी सभी थोड़ा सा कंटिन्यू चल रहे हैं, थोड़ा थक रहे हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं जलधारा से। जलधारा, ये है प्रकृति के नज़ारे। इस जलधारा को हम पार करते हुए, चलो इस जलधारा को हम पार करने के बाद अब इस तरह का ही पानी पूरे रास्ते में हमें मिलेगा, और बहुत ही विहंगम दृश्य अभी पूरी टीम के साथ। ये प्राकृतिक जल स्रोत है, कितनी तेजी से पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्हें पता है किस तरह से जलधारा को बनाया जाता है। तो तुमने बनाई है अभी? हाँ, अभी बनाई। चलो, कुछ बोलना है। तो बहुत बढ़िया है। तो आज हमारा कंटिन्यू दोबारे से 8 घंटे का सफर होने वाला है। यस सर, तैयारी कर लो, पानी भर लो पूरे बर्तनों में, इसके बाद हम आगे को बढ़ते रहेंगे। जय बाबा की। और इसी शक्ति के साथ, इसी बाबा की शक्ति के साथ ये पूरे 8 घंटे की जो यात्रा है पूरी होगी आज हमारी। तो बाबा की बड़ी कृपा है इन बच्चों के ऊपर। चलते हुए और सभी टीम मेंबर हमारे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरे प्यार से ढंग से चल रहे हैं। रास्ते अभी हमें बिल्कुल अच्छे मिल गए हैं, प्लेन रास्ते हैं, नदी का ही रास्ता है, यहाँ पर कोई इस तरह से परमानेंट रास्ता नहीं है, नदी के रास्ते हैं, नदी में ही लोग चलते चलते उनका रास्ता बन जाता है। बड़ी रोमांचकारी ये यात्रा चल रही है, बहुत सुंदर। तो चाहेंगे आप लोग भी जल, जंगल, जमीन या झरने का आनंद उठाने एक बार जरूर इधर आइए।
और थोड़ा सचेत और संभल कर। वैसे खाली पेट है, आप देख रहे होंगे अभी एक ये लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है और लकड़ी के बाद ये चूल्हा बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे एक हमें दोबारा एक बारह सिंगा का एक सिंह मिला है, देखो ये बारह सिंगा का सिंह हिरन यहाँ पर रहे होंगे। हम थक चुके हैं और यहाँ पर चूल्हा बनाया, अब हम चाय बनाएंगे। अच्छा, और उसको पी के फिर आगे के लिए चलेंगे। चलो, आज की यात्रा थोड़ा कठिन लग रही है मुझे, थोड़ा सा थोड़ा जी। तो ये कहते हैं ना, ये जो हमारे ये लड़के हैं इन पे एक गुण नहीं है, देखो लड़की को अपना ध्यान है कि सबको चाय भी देनी है, पतीला सब सामान रखा हुआ है, हैं और जो है सब सामान लेके आइए। और यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल तैयार हो गया और अब हम यहाँ पर चाय पियेंगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा हम आगे को इस यात्रा को बढ़ाएंगे। 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। अच्छा, इसके बाद हम लोग संतरा ठाकुर भगवान जी के दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर। फिर उसके बाद हम उसी रास्ते से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहाड़ी बकरियां मिली है, और सब आराम चल रही है अभी। ये माँ भारत कालीन मंदिरों के भग्नावशेष हैं। अच्छा, सही बात है, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरह से मिले हैं। ये मूर्ति देखो आप, क्या सजीव लग रही है। ये सब इसी पहाड़ों में से निकले हुए हैं। अच्छा, ये कुदरती हैं। ये सब शिला जितने भी हैं, शिलाखंड, ये सब चलो यही मान्यता है यहाँ पर, ये सैकड़ों साल पुराने हैं। अच्छा दोस्तों, यही है मान्यता है यहाँ पे कि यहाँ महाभारत काल में पांडव इस स्थान पे आए थे, अज्ञातवास के समय इस स्थान पे आए। अच्छा, पहली मंजिल है सेनसई ठाकुर का जो मंदिर है, इसमें हम पहुँच चुके हैं। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर 3 प्रतिमाएं हैं, भगवान विष्णु जी की, भगवान राम की और भगवान कृष्ण जी की। अच्छा, प्रतिमा विराट रूप की है। यहाँ भगवान नारायण ने भगवान शिव की आराधना की है। अच्छा। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु जो आप 2 अवतारों लीला करेंगे, आप उनके दर्शन कराएं, तो भगवान विष्णु जी ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूप यहाँ पर दिखाया। चलो 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 बच्चों, जय श्री राम। थोड़ा सा ये हल्का डरावना सा रास्ता क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है। फिसलन वाला रास्ता बच्चों, आराम से आराम से आराम से, गिरना मत, नीचे बहुत बड़ी खाई है। तो सभी लोग अभी एकत्रित हो गए, थक लगी बहुत ज्यादा ना सबको। चलो आराम करो, अब तो आधा एक घंटा, उसके बाद आगे को चलेंगे। इस खड़ी चढ़ा में, हाँ खड़ी चढ़ा में दिक्कत क्या है, पैर फिसलने की है। सिस्टम देख लो, आगे करवाट करे, दिखाओ जी लोगों को। देखो क्योंकि पहाड़ इतना ये से कि वो चढ़ाई नहीं जा रहा इसके ऊपर। एक रोमांच वाला रोड है बाबू, बिल्कुल आराम से पकड़ के। हम बहुत ही मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी इसमें पकड़ने के न सहारने का, सब ये माता के आशीर्वाद से, उनके विश्वास से चल रहे। फिसलना मत, फिसलना मत बिल्कुल भी। कैमरा मेरे हाथ में है, आराम से जय माता दी के नारे लगाते हुए, आराम से जोर से बोल लो जय माता दी, जय माता। तो देख रहे होंगे रियली बहुत ही खड़ा पहाड़ है, जैसे हम एडवेंचर में देखते हैं, टीवी फिल्मों में देखते हैं, उसी तरह का सेम है। इसमें देखो कोई ग्रिप कुछ नहीं है, किस तरह से पकड़ पकड़ के इसको चला जा रहा है, बहुत ही डरावना सीन है ये भी। अब गाय जो है उनकी रेड लगी पड़ी है वहाँ, देखो भाई नहीं
देख रहे होंगे ये खड़ी पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी को हम पार करके आए हैं अभी। ये हमारा ट्रैक बहुत ही शानदार और यादगार ट्रैक रहेगा जीवन में। दूसरा दिन है तो आज शाम को सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। थोड़ा थकान होगी चल चलते काफ़ी, तो अभी लेटे हम इस वन भूमि में, वन देवी की गोद में, इस जंगलों में। तो कोशिश, ये यात्रा सफल होने के बाद एक नई यात्रा में हम चलें इन जल जंगल जमीन के लिए। दोस्तों आपको भी लगता है कि ये कार्य भी ज़रूरी है तो ज़रूर हमें सहयोग करें और हमारे इस मुहिम को साथ देने के लिए आप भी हमारे साथ चलें। और हमारे साथ हमारे संजय कुमार जी ने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया, रास्ते में कहीं चाय बनाने से लेके मंदिरों का भ्रमण, क्योंकि ये यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं नहीं पता है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का धन्यवाद जो जोश और शोर के साथ हमारे साथ। तो चाय तैयार है? हाँ जी रेडी है जी। चलो बहुत बढ़िया, सबको पिला के चाय थोड़ा थोड़ा। और ये हमारी यंग टीम अभी बिल्कुल आराम फरमा रही है आराम से। अब शाम की चाय और इसके बाद अब हमारा 3 घंटे का सफ़र और रह गया है। अब हमारी यात्रा तकरीबन संपन्न होने वाली है, उसके बाद सब अपने घर की तैयारी करेंगे। अब तेज चलना है। हाँ फिर काम में दिन छिप जाएगा जंगल में। हाँ ये हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और हमारी इस यात्रा का पड़ाव अब थोड़ी देर में ठहर जाएगा। हमारी यात्रा संपन्न हुई, ये जंगल यात्रा, और इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा धन्यवाद और इनके सहयोग लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बोल दो यात्रा के बारे में, कैसी यात्रा कैसा? ये हमारी यात्रा जंगल जमीन के लिए थी और इससे हमें यही वो मिला कि हमें अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण बचेगा तो सब सुखी रहेंगे। चलो और ऐसी यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जिससे हम अपने जल जंगल जमीन के प्रति जागरूक हों। जी जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हमारे और सब साथी जल जंगल जमीन और इस सुंदर वनों की हम यात्रा कर रहे हैं, नदी नालों की, बहुत अच्छा मैसेज हमारे सभी लोगों को दें। चलो कैसे लगा बच्चों? बहुत अच्छा। अच्छा कुछ बोलना चाहोगे जो हमारे व्यूअर देखने वाले हैं? जल जंगल जमीन क्यों जरूरी है? ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो इसकी रक्षा और पेड़ पौधे जरूर लगाएं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और टीम कुछ बोलो। हेलो गाइस, हम बहुत थक चुके हैं, हम पहुंचने के, हाँ तो ये यात्रा पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं फटाफट से। तो दो दिन से समाप्त होने वाली है, दो दिन से हम चल रहे हैं गाइस। देखो हम कितने पतले हो चुके हैं दो दिन से। चलो चल चल कर देखो गाइस, अगर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हो गए तो इंसान मरने लगेंगे दिन पर दिन। इन पेड़ों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है जिनसे हम जीवित है अभी तक। बहुत सुंदर। और अब इस यात्रा को हम और अगली बार जरूर मिलेंगे। ये हरे भरे जंगल, नदी नाले, पहाड़ और बड़े बड़े ये चीज़ जो आज हमने देखी अपने इस वीडियो में कवर किया, कोशिश करेंगे इसको आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत सुंदर।